मेडिकल एजुकेशन हैज़ हिस्टोरिकली बीन क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन जहां दुनिया भर में मेडिकल एजुकेशन की फीस में काफ़ी हद तक गिरावट आई है, वहीं भारत और चाइना दोनों ही देशों में यह देखा जा रहा है कि मेडिकल की एजुकेशन में काफ़ी तेजी से महंगाई बढ़ गई है। एक नई लैंसेट स्टडी के अनुसार जो ट्रेंड्स की जाँच करता है, 2008 में चाइना में सबसे कम खर्चीला मेडिकल एजुकेशन था, जिसका अप्रोक्सीमेट पर ग्रेजुएट स्टैंडिंग एट अ मेयर $14,000 था। 2008 में भारत केवल चाइना से पीछे था, जिसका पर ग्रेजुएट फी $35,000 लगते थे। तुलना के लिए 2008 में डॉक्टर्स के कोर्स में पर मेडिकल छात्र का अप्रोक्सीमेट खर्च पश्चिमी यूरोप में $4,00,000 और उत्तरी अमेरिका में $4,97,000 था, जबकि डॉक्टर्स के लिए मेडिकल एजुकेशन की लागत की तुलना में उत्तरी अमेरिका में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। पश्चिमी यूरोप में पर स्टूडेंट का खर्च $4,00,000 से $2,00,000 तक गिर गया। मध्य और पूर्वी यूरोप में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिली, जिसके लागत 2008 में $181,000 और $151,000 से गिरकर 2018 में $80,000 और $77,000 हो गए थे। मेडिकल स्टडीज के कोर्स में गिरावट दुनिया के बाकी अलग अलग देशों में भी अप्लाई होता है, जैसे द हाई इनकम एशिया पैसिफिक कंट्री। द एस्टिमेटेड कॉस्ट हर स्टूडेंट के लिए $381,000 साल 2008 में था, वही वो घटकर $223,000 हो गया साल 2018 में। कॉस्ट पर स्टूडेंट गिरकर $74,000 से $63,000 और ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलता है लैटिन अमेरिका, सब सहारन अफ्रीका, जहां पर दामों में गिरावट आई है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस ट्रेंड, डॉक्टरी की पढ़ाई चाइना में रिपल हो गई और इंडिया में कॉस्ट डबल हो गई है आखिरी 10 सालों में।